बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा का चांद नज़र आ चुका है और उसके साथ साथ ईद उल अज़हा के दिन करीब हैं और पाकिस्तान में ईद उल अज़हा के मौका पर तमाम लोग ईद कुर्बान की तैयारी कर रहे हैं और मैं इसी तरह आप अपने तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी और अपने मेम्बरान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी बहुत बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान में इज्तमाई कुर्बानी में हिस्सा डालें ताकि आपकी जो कुर्बानी की खुशी में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इस जदोजहद में हमारे मुल्क के वो लोग जो कुर्बानी का फरीज़ा अदा नहीं कर सकते वो भी आपकी खुशियों में शामिल हो सकें। मैं इसके साथ अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ कि हमने पिछले वीक एक पैगाम जारी किया था जो कि 1500 लोगों का था जो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए थे सऊदीया जाने के लिए। हमारे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ जब हम बने तो उनकी हुकूमत का पाकिस्तान ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। 750 पाकिस्तानी जो है अफ़गानिस्तान में फंसे हुए वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दादरसी हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो PIA ने फ्लाइट ऑपरेशन हंगामी बुनियादों पर अनाउंस किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो के पाकिस्तान में ईद मनाना चाहते हैं उनके लिए भी उन्होंने स्पेशल एक सर्विस का आगाज़ कर दिया है। मैं अपने मुल्क और प्राइम मिनिस्टर और अदारों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत अच्छा और ऐसा इकदाम किया है जिसमें वो अपने पाकिस्तान में अपने प्यारों के साथ ईद उल अज़हा मनाएंगे। मेरी तरफ से मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की एडवांस ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।